देख सकते हैं भाई नया राइडर सोया हुआ है यहाँ पे। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो ये देखिए भाई, आप कुछ इस तरह की लग रही है बाइक, तो इसमें जाएंगे आज कुछ मॉडिफिकेशन करवाने, तो देखते हैं क्या कुछ करवाते हैं। तो आप भी व्लॉग में बने रहें। तो निकलते हैं भाई घर से और आप व्लॉग में बने रहे, बहुत ही मज़ा आने वाला है व्लॉग में। 15 minutes later. ये मैं पहुंच गया भाई ऑक्सफोर्ड स्कूल के पास, तो दानी भाई को लाना था कॉलोनी से। तो ये था किसी फ्रेंड की शादी में, तो इसने बोला भाई इधर से ही आ जाओ, तो मुझे भी ले जाओ अपने साथ ही। मैंने बोला चलो भाई इकट्ठे जाएंगे, तो बाइक की कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, तो आप भी बताओ क्या करेंगे, क्या ठीक रहेगा। तो आप भाई राइड के मज़े लीजिए। तो ये मिल गया भाई बेचारा एक राइडर। तो भाई ऐसे तो ये जगह छोड़ने वाला नहीं है, ऊपर से इसने हेलमेट भी नहीं लगाई है। चलो भाई चलते हैं इसके पीछे पीछे, देखते हैं क्या कुछ सीन बनता है। तो आप व्लॉग में बने रहे, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे व्लॉग में, तो आप बने रहे, आप राइड के मज़े लीजिए। पहुंच गए भाई कुछ इस तरह वाली लोकेशन पे। तो मैंने बोला था दानिश भाई को क्या कुछ करना है बाइक को, इसने बोला भाई रैप करेंगे वाइजर को। तो और मैंने बोला था भाई शीशे निकालेंगे बाहर, देखते हैं क्या कुछ सीन बनता है। तो आप बने रहे, आप राइड के मज़े लीजिए। तो ये गिर गई इसकी कैब भाई पीछे, तो पहले लाते हैं कैब को, फिर मिलते हैं आपको आगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे राइड में। बाकी तो मैं भाई यही कहना चाहता हूँ भाई अपने बाइक की तुमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और वीडियोस को आगे शेयर किया करें। बाकी बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे राइड में, तो आप बने रहें। 20 minutes later. ये मैं पहुंच गया भाई खनावल, यहाँ से ट्रैफिक जाम होता है ज़्यादा, तो आप राइड के मज़े लीजिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो आप बने रहें। Later. ये मैं पहुंच गया भाई वनपू पे, देखते हैं क्या कुछ होता है आगे, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है व्लॉग में। तो यहाँ पे देखो भाई, तो मिलते हैं आपको बाईपास पे और देखते हैं भाई KTM RC BS की कितनी भागती है। मिलते हैं आपको भाई सीधे बाईपास पे। 15 minutes later. ये मैं पहुंच गया भाई बाईपास पे, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, देखते हैं कितनी भागती है भाई। तो आप बने रहे व्लॉग में, बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे।
134 भी यहाँ पे स्पीड टॉप, तो भाई इसमें दिख ही नहीं रहा है मीटर में, इसमें कुछ स्मोक लगा के है, तो उस भाई ने इसको पहले ही लगाया था। तो आप बने रहे व्लॉग में, मिलते हैं आपको अब सीधे मीर बाजार में। A few moments later. हाँ भाई, कैसा लगा आपको पीछे बैठ के भाई? भाई एकदम तबाही। हाँ तबाही। अब कहाँ जाएंगे ब्रो? मैं सोच रहा था भाई की मॉडिफिकेशन कुछ करेंगे, वाइजर को थोड़ा ब्लैक, ये शीशे बाहर निकालेंगे, क्या लगता है? शीशे रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर इसी पे लगे हैं। वो बात तो सही है भाई, अब जाते हैं उधर ही देखते हैं ना। चलो फिर भाई चलते हैं भाई मोहब भाई की दुकान पे, तो देखते हैं क्या कुछ होता है, तो देखते हैं क्या कुछ सीन बनता है वहाँ पे। अगर ठीक लगा तो निकालें, अगर नहीं लगा तो फिर भी भाई देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं आपको भाई सीधे उधर ही, तो मीर बाज़ार पे, ये मीर बाज़ार बाईपास पे। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा भाई इसका दुकान कहाँ पे है और कैसा है। तो ये मैं पहुंच गया मीर बाजार बाईपास पे। तो ये है भाई मैं भाई का दुकान और इसके पापा का नाम है फयाज अहमद वानी। तो भाई ये देखे, चेक कीजिए इनकी दुकान, देखे भाई वैली मोटर से इनकी दुकान का नाम। जिस भाई को भी यहाँ आना होगा वो कांटेक्ट कर सकता है इनके पापा से या मैं भाई से। बाकी डिटेल्स मैं नेक्स्ट व्लॉग में दूंगा इनके पास क्या कुछ अवेलेबल है, तो अभी मुझे पूरा नहीं पता है, तो आप बने रहे। देख सकते भाई नया राइडर सोया हुआ है यहाँ पे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और चलते हैं दुकान के अंदर। ओ भाई, भाई का वाइजर ब्लैक करना है। हाँ शीशे निकाल ले बाहर इसको। ओ क्यूट लड़का, क्या कर रहा है यहाँ पे? गजब बेइज्जती है। ओ बोलो भाई क्या करना है उनको, शीशे निकाले या नहीं? क्यों? इंडिकेटर लगे उसको। ओ भाई क्या वो जजते ही नहीं है, पहले निकालते हैं। हाँ करेंगे रायपुर फिर लगाएंगे। ठीक है चलो फिर भाई। A few moments later. तो ये लग रही है भाई कुछ इस तरह की BS6 बीस्ट, तो आप नेक्स्ट पार्ट का वेट करें, तो बहुत ही सेक्सी लगेगी बाइक। तो मिलते हैं भाई